लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग, कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना? कमेंट करके ज़रूर बताइए, तभी तो पता चलेगा कि आप लोगों की ट्रेडिंग कैसे क्या चल रही है। चलो, पुरुषोत्तम भाई राम राम, शर्मा जी को राम राम, सभी को राम राम भैया, ज्वाइन कर लो सभी लोग। प्रदीप जी, सीताराम, एसके ट्रेडर, हाय हाय, हेलो। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन सभी लोग। और बाकी लोग कहाँ गए भैया? लाइक और कमेंट करते रहना है ना, तभी मज़ा आता है, तभी मज़ा आता है जब आप लोग लाइक कमेंट। विकास जी, सीताराम, सीताराम, सभी को जय श्री राम। तो आप लोगों ने अच्छा डंडा झंडा लगाया आज और अच्छी ट्रेडिंग की है आप लोगों ने, डंडा लगा लगा के, है ना? तो बढ़िया डंडा लगाओ, प्रॉफिट कमाओ, परियोजना चल रही थी आज तो भाई, डंडा लगाते जाओ, हो गया काम, है ना? डंडा लगाओ, प्रॉफिट कमाओ। कितने लोगों ने आज डंडा लगाया कमेंट करके बताओ ज़रा, चाहे निफ्टी में हो, चाहे बैंक निफ्टी में हो, कहीं पे भी हो, बस आज डंडा ही लगा है, डंडा लगा के झंडा गाड़ दिया लोगों ने आज, है ना? तो इसको कर लेते हैं 5 मिनट पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो बढ़िया एकदम। डंडा लगाओ, डब्बा लग बनाओ, डंडा लगाओ, डब्बा बनाओ, परियोजना चलती रहती है। तो आज अपना जो डंडा लगा था, चैनल बनाया था, वो यहाँ पे बना था और बहुत बेहतरीन चैनल बना, ये एक झटके में ऊपर ले गया था इसको, वाकई। आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं भैया, मोबाइल बस से ट्रेड मत कीजिए। क्या है, काफ़ी कंफ्यूजन होता है जब आप खाली मोबाइल से ट्रेडिंग करते हो, है ना? क्योंकि मैं खुद यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो बहुत सारी ग्लिचेस रहती हैं मोबाइल बस से ट्रेड लेने पे। तो आप लोग एक लैपटॉप ज़रूर रखो ताकि आप लोग ट्रेड ले सको, ठीक है भैया? मैसेज छोड़ दूँ 2 मिनट, चलो मैसेज छोड़ दिया, सभी लोग जुड़ जाएँ ताकि हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं। पीना देती, राम राम। हाँ, एसके ट्रेडर जी बोलिए ना, हैंड रेज कर रहे हैं, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं तो बताइए भैया। ये डंडा लगा के बढ़िया प्रॉफिट कमाते हैं हमारे ग्रुप मेंबर्स, और डंडा कैसे लगाना है ये तो आप लोगों को पता ही है ना? डंडा कैसे लगाना है, कभी चैनल बना लिया, कभी डब्बा बना लिया, तो ऐसे आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे आप लोगों को मिल जाएगा, डंडा भी मिल जाएगा, झंडा भी मिल जाएगा, डब्बा भी मिल जाएगा, है ना? जिसको आप लोग बॉक्स बोलते हो उसको मैं डब्बा बोलता हूँ, जिसको आप लोग फ्लैग पैटर्न बोलते हो उसको मैं डंडा झंडा बोलता हूँ, है ना? बस डिफरेंस इतना ही है और कुछ नहीं है। आप यहाँ पे डंडा लगाते जाओ, डब्बा लगाते जाओ, बढ़िया प्रॉफिट कमाते जाओ। आज तो बढ़िया मार्केट था एकदम, ऊपर नीचे मतलब कहीं आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस हर जगह आप डंडा लगाओ। एक डंडे में आपको ये चैनल जो बना था वो यहाँ पे दे गया, दूसरा यहाँ पे दे गया, है ना? तो बस डंडा लगाना सीख जाओ, बस हो गया। डंडा सही जगह लगना चाहिए आपका, डंडा सही जगह लगा है अगर आपका तो फिर तो सीताराम ही है ना? चलो देख लो ये डंडा झंडा, क्या बताऊँ आज थोड़ा सा, कल का देख लेते हैं एक बार, कल का देख लेंगे। और हमारा जो उसमें है क्या बोलते हैं उसको यार, क्रिप्टो, है ना? तो क्रिप्टो में थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये मैंने ऐसे पहले ड्रॉ किया था, ये अभी का ड्रॉ किया हुआ नहीं है, ये पहले का ही ड्रा किया हुआ है। आप लोग ऐसे ड्राइंग करना सीख लो, बस ड्राइंग करोगे ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती हैं। अब एक चीज़ और यहाँ ड्रॉ करने वाली बात है कि ये जो लेवल है जहाँ पे आज मार्केट रुका है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। बट अगर कल ये सपोर्ट टूटा तो हो सकता है कि 47,000 के दर्शन जल्दी करा दे ये कल ही, लेकिन
हमारा जो डाव जोन्स बोल रहा है वो कह रहा है भैया हम तो ऊपर जाएंगे, डाव जोन्स ऊपर जाएगा तो चूंकि आप देख पा रहे हो कहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, 49,000 के लेवल से गिरता हुआ आ रहा है, ये 49,000 मतलब 50,000 से सीधे आपका 3,500 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है कंटिन्यू, आप देख पा रहे हैं कंटिन्यू आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में 3, 3, 6, 7 7 दिनों से आपको रेड रेड कैंडल बनती दिखाई दे रही। तो मे बी पॉसिबल कि कल हमारी एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाए, है ना, और बहुत सारे लोगों को ट्रैप करे, है ना, तो ऐसी कुछ कैंडल बन सकती है, देखना रेडी रहना, जैसी भी बने जहाँ भी बने हमको ट्रेड से मतलब है, हमारा सेटअप बन जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम इसको ले चलें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको जैसा ये दिख रहा है चार्ट पे, चार्ट को मैंने कहाँ फंसा रखा है, एक चैनल पे फंसा रखा है, ये चार्ट पे आपको ये चैनल दिखाई दे रहा है, ऊपर भी लाइन और नीचे भी लाइन, है ना। तो अब ये नीचे 47,000 का मैंने क्या लगा लिया, सपोर्ट लेवल लगा लिया, 500 का तो एक अपना सपोर्ट लेवल होता ही है। अब अगर इसके ऊपर ओपन हो जाता है या सेम लेवल पे ओपन होता है, अगर यहीं कहीं ओपन होता है और कुछ अपसाइड का मोमेंटम करता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 48,000, मतलब यहाँ तक जाने के बाद कुछ ऐसा सेटअप बनाए तो फिर ये ऊपर साइड निकल के जा सकता है, ठीक है। अगर नीचे साइड का कुछ सेटअप बनाता है तो इसका फिर जो है 200 के लेवल पे ऐसा कुछ सेटअप बनेगा, और 200 से अगर ब्रेक किया 256, 47,256 अगर ब्रेक करता है तो 47,000 के दर्शन भी बड़ी आसानी से कल करा सकता है। दोनों साइड का मोमेंटम हम बना के रखेंगे, जो भी हमारा सेटअप बनेगा अगर सेम लेवल पे ओपन होता, मान लीजिए यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ गैप अप ओपन हो जाता है तो हम नज़र बना के रखेंगे इस ट्रेंड लाइन पे, और इस ट्रेंड लाइन पे अगर ऐसा कुछ सेटअप बनाता है अपसाइड का मोमेंटम करता है तो वो अपसाइड भी जा सकता है, और अगर नीचे साइड का मोमेंट करा तो फिर बहुत लंबा नीचे गिराएगा, और जैसा आज गिरा कंटिन्यू वैसा 400 500 पॉइंट का 600 पॉइंट का मोमेंटम कल भी कर सकता है डाउन साइड के लिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के अलावा अगर हम निफ्टी में चलेंगे तो निफ्टी में तो चलो निफ्टी का भी एक बार डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं क्या बन रहा है वहाँ पे, ये शायद निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, इसको पहले डेली टाइम फ्रेम में लेके चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम में ये क्या कर रहा है, बहुत ही लंबी कैंडल बन गई भैया आज तो, है ना, ज़बरदस्त तरीके से रोज़ रोज़ यही बता बता के। ये देखो मैंने अभी ये ड्रॉ तो नहीं किया ना, ये पहले का ही ड्रॉ किया हुआ है, आप देखो यहाँ पे ये नीली लाइनें दिख रही हैं आपको, यहाँ पे ये नीली लाइन में मैंने फंसा रखा था यहाँ पे, इससे ये पता चलता है कि इसका मोमेंटम क्या चल रहा है। अगर इसको ऊपर वाली लाइन को ये ब्रेक करते तो मोमेंटम हमको कॉल साइड का मिल जाता है, लेकिन इसको ये ब्रेक नहीं किया, ओपनिंग यहाँ पे हुई और नीचे साइड खींचा तो यहाँ पे अपने ये सपोर्ट लेवल पे आके खड़ा हुआ है ना। इसका नीचे और अगर खींचता भी है तो इसका जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो रहेगा लगभग लगभग 800 का, 800 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, यहाँ पे 800 का लेवल अगर नीचे आता है तो की बात चल रही है। मे बी पॉसिबल कि कल जो है ग्रीन कैंडल बने और ये अपसाइड का मोमेंटम करे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या करते हो कि लाइव मार्केट में अपने लर्निंग ग्रुप में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो आप लोगों को सीखने को वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो बस ऐसे सीखते रहो समझते रहो, और इतने बड़े बड़े मोमेंटम पर डे पकड़ने की कोशिश करो, जितने बड़े मोमेंट आप लोग पकड़ोगे उतना ही अच्छा रहेगा और आप लोग प्रॉफिटेबल रहोगे, है ना। तो हम कल कल भी लाइव थे, कल भी हमने आप लोगों को बोला था कि अभी धीरे धीरे हम क्या करेंगे भैया, लाइक बहुत कम है, आप लोग बहुत कम लाइक करते हैं, है ना, तो लाइक कोई करते रहा करो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे, लाइक कम करते हो आप लोग। तो देखो आपको क्या करना है, अभी धीरे धीरे ये भी सीखो चीज़ें, सीखने में क्या है, लाइव मार्केट का चार्ट देखो बस, हो गया, चार्ट देखने में क्या जाता है, ट्रेड करो नहीं करो वो आप लोगों की मर्जी है, वैसे भी ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड किए नहीं जाते हैं, ऑल द वीडियो स्ट्रीमिंग एंड वीडियोज अपलोडेड इन गांव वाला ट्रेडर यूट्यूब चैनल आर स्ट्रिक्टली फॉर द एजुकेशनल पर्पज, वी डोंट प्रोवाइड एनी पेड कोर्स आर ट्रेड सिग्नल्स, है ना। तो क्रिप्टो का भी कभी कभी ये बिटकॉइन का देख सकते हो आप लोग, लाइव मार्केट में जो एक्सपीरियंस रहता है वो अलग ही रहता है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि ये मैंने पहले से ही ये सेट कर रखा है, यहाँ पे एंट्री करके और यहाँ तक का टारगेट रखा, देखते हैं वहाँ तक जाता है कि नहीं जाता है। अब यहाँ पे भी आप बोलोगे कि भैया अपना डंडा झंडा लगता है कि नहीं लगता, तो कहो तो एक डंडा लगा दूँ, है ना, ये डंडा लगा दिया मैंने, अपना डंडा तो कहीं भी चलता है, जैसे मैंने टॉपिक दिया आज कि
प्रॉफिट तो हमारा डंडा ही देता है, और जितना बड़ा प्रॉफिट हमारा डंडा देता है उतना बड़ा प्रॉफिट कोई भी सेटअप नहीं दे सकता है। बस आपका वो डंडा सही तरीके से लगना चाहिए, और डंडा सही जगह लगा दिया आपने, डंडा इन द सेंस कि आपका पूरा प्राइज एक्शन है, आप लोग जो प्राइज एक्शन फॉलो करते हो पूरा प्राइज एक्शन के उस पर मेरा ये ट्रेडिंग का स्टाइल है, और आपने सही जगह अगर ट्रेड कर लिया तो आपका लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है भैया, तो अब इस पे अगर किसी का कुछ क्वेश्चन हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या क्या टेक्निकल चीज़ें होती हैं, अगर कोई पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दूंगा मैं आप लोगों को। और अगर लाइव मेरे साथ ये चार्ट देखना चाहते हो तो बिल्कुल देखो, 10-15 मिनट अभी अपन देखेंगे ये हमारा टारगेट हिट होता है कि नहीं होता है ना। तो कौन कौन देखना चाहता है कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि लाइव जो चार्ट चल रहा है हमारा बिटकॉइन का वो क्रिप्टो में कौन कौन देखना चाहता है, कौन कौन नहीं देखना चाहता है। लोकेश जी बोल रहे हैं देखना है देखना है, ठीक है देखिए मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, पिनाकी दीदी बोल रहे हैं आज कम मेंबर क्यों आए हैं भैया, आज क्लास में कम लोग क्यों आए हैं। देखो अगर करना चाहते हो सीखना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। जितना ज़्यादा मैं आप लोगों को बस एक ही चीज़ सिखाता हूँ, जितना ज़्यादा चीज़ें आप लोग देखोगे, जितना ज़्यादा चार्ट देखोगे, लाइव मार्केट का अपना एक अलग ही मज़ा होता है, अगर आप उसको देखोगे तो ही। लाइव मार्केट जितना देखोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, उससे अपने को एनालिसिस करने में सहूलियत रहती है, दिमाग में ये चीज़ें छपती हैं, कहाँ एंट्री बन रही है, कहाँ एग्जिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें है ना। तो अगर किसी को कुछ पूछना हो क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, उन तो क्या है कि लगे रहते हैं हमको चार्ट देखने से मतलब है, कहीं भी लाइव चार्ट दिखता है हम देखने लगते हैं, वहीं अपना प्रेडिक्शन लगाने लग जाते हैं। तो आप लोग भी अगर सीखना चाहते हो तो भैया आपको देखना पड़ेगा, मेरे साथ में मेहनत करना पड़ेगी, और किसी व्यक्ति के उसमें अगर आप पड़े हो कि भैया कॉल ले लिया पुट ले लिया, कोई आपको इंडिकेट कर रहा है, तो फिर सीख थोड़े पाओगे आप लोग, है ना। ठीक है देखते हैं। आप लोग कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, पूछना चाहो तो पूछ लो, बता दूंगा मैं यहीं पे कुछ चीज़ें अगर ड्रॉ करना है तो। एक्चुअली मेरे माइंड में आ नहीं रहा है कि मैं आप लोगों को बताऊं क्या, आप लोग पूछोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अच्छा यही बताओ, कमेंट करके बताओ कितने लोगों को लाइव चार्ट देखना अच्छा लगता है, कितने लोगों को लाइव चार्ट देखना अच्छा लगता है, चाहे वो क्रिप्टो का हो चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी। क्योंकि देखिए मेरा ऐसा पूछने का पर्पज़ ये है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं है, अगर आप इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर, आपको बोरिंग फील होता है चार्ट देखने में, तो फिर आप ट्रेडिंग छोड़ दो। जितना ज़्यादा चार्ट देखोगे, जितना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट जागेगा चार्ट देखने में, जितना ज़्यादा प्रिडिक्शन करोगे उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए। एसके ट्रेडर कौन है भैया, एसके ट्रेडर अपना नाम बताओ, यहाँ पे एसके ट्रेडर आ रहा है, हमारे ग्रुप में हो कि नहीं हो एसके ट्रेडर। बहुत मज़ा आता है गुरुजी चार्ट देखने में अजीत जी।
अभी तो हमारे कल्पेश भाई नहीं आए, कल्पेश भाई तो आधी रात को उठ उठ के चाट देखते हैं। एसके टेडर कौन है भैया? एसके टेडर अपना नाम बता दीजिए, यहाँ पे एसके टेडर आ रहा है। फोटो तो क्या है, कुछ लोगों को हो सकता पसंद ना आए, देख देख के चले जाएं झांक झांक के। अपने को तो बस चार देखने से मतलब है, कहीं भी चले कैसा भी चले, है ना? संजय कुमार, हमारे ग्रुप में हो आप क्या संजय जी? अगर आप हमारे ग्रुप में हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हो, है ना? आप हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हो। हमारा लर्निंग ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर व्हाट्सएप करके हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ जाइए, तो आप लोग भी गूगल मीट में जुड़ के आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो, और जो चलता रहता है ग्रुप में एजुकेशनल पर्पज़ से वो भी आप लोगों को मिलता रहता है ना? अच्छा ठीक है संजय जी, कर लीजिएगा, हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा, चीज़ें फ्री है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, सारी चीज़ें फ्री है यहाँ पे। हाँ ये है कि हम कॉल टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं किसी भी व्यक्ति को, सिखाते हैं जो करते हैं वही सिखाते हैं। चलो बढ़िया है, चलने दो। एसके ट्रेडर आपका अपना चैनल है ना यूट्यूब पे? हाँ ये आप उसी में तो देख रहे हो, आप यूट्यूब चैनल पे तो देख रहे हो आप, गांव वाला ट्रेडर के नाम से है एसके ट्रेडर। अच्छा अजीत जी पूछ रहे हैं, अजीत जी पूछ रहे हैं एसके ट्रेडर से भैया बताइए। अच्छा एसके टेलर से है, चलिए ठीक है बढ़िया है, सीखिए समझिए, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे, है ना? बताओ अजीत जी, ऊपर जाएगा मार्केट नीचे जाएगा? एसके ट्रेडर सर आप लाइव रियल ट्रेड लेते हैं? हाँ लेते हैं कभी कभी, जी मीट में भी रहते हैं कभी कभी, बट कॉल टिप प्रोवाइड नहीं की जाती है हमारे द्वारा, कॉल टिप प्रोवाइड नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए होता है जो चीज़ें होती है। सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा पुरुषोत्तम भाई बोल रहे हैं,
सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, कहीं भी जाए हमको क्या, हमारा तो बस ट्रेड चलना चाहिए। गुरु जी रेड कैंडल को ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा, अगर नहीं कर पाया तो ऊपर जाएगा, अजीत जी बोल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं किधर ब्रेक करता है। हमने तो डंडा लगा दिया अपना डंडा, जिंदाबाद। एसके ट्रेडर आपको लाइव मार्केट में सीखना है क्या? लाइव मार्केट में भी कभी कभी चलता है अपना, उसमें भी सीख सकते हो आप लोग। अजीत जी एसएल कहाँ खाकर ऊपर जाएगा, एसएल खाकर ऊपर जाएगा। अच्छा, पुरुषोत्तम भाई बोल रहे हैं, ठीक है लगाओ अपने अपने प्रेडिक्शन। गुरु जी मैंने भी वही बोला है जो डंडा बोलना चाहता है। ओके, डंडा जो बोलना चाहता है। इसमें यही है कि थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे मूवमेंट होता है अपना। निफ्टी बैंक निफ्टी होता तो अभी तो, बैंक निफ्टी होता तो 4-6 बार ऊपर नीचे हो चुका होता है ना। नौ 29 हुआ है ना, खाना पीना भी खाना पड़ेगा। सीताराम कुछ और लगा के देखें, तब तक ये तो चल रहा है। इथेरियम का लगा के देखते हैं ना, ये तो गायब ही हो गया यहाँ से, कैसे आएगा ये, इसको फुल स्क्रीन करते हैं। ये देखो कितने मिनट में, 15 मिनट में, ये फास्ट चल रहा है क्या? तो अगर किसी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता हो तो भैया ये सीख लो, इन डंडों को ही तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं ना। और हम एंट्री कैसे लेते हैं पता है आपको? हम तो ऐसी भी एंट्री ले लेते हैं, ये हमने ड्रॉ किया और एक ये ड्रॉ कर लिया, हम ये चैनल बना लेते हैं, चैनल को ब्रेक किया बस घुस गए। अब अगर डाउन साइड का कुछ मोमेंटम बना तो हमने ये कर लिया और एक ये कर लिया, तो हमको क्या पता चल रहा है इससे, कौन सा पैटर्न बन गया? कौन कौन बताएगा भैया, कमेंट करके बताइए कौन सा पैटर्न बन रहा है ये, या कौन सा पैटर्न बन चुका है? अब तो बड़ी आसानी से बता दोगे आप लोग, है ना, बड़ी आसानी से बता दोगे। यहाँ पे भी वही बना है जो आप बताने वाले हो ना, वहाँ पे भी यही बना है। क्या बोलते हैं इसको, डब्लू? वाह यार, बड़ा जल्दी पकड़ लेते हो आप लोग, डब्लू डब्लू चिल्लाने लगते हो। यार इनमें से डब्लू कौन है? वो वाली मूवी देखी है आपने, धमाल? एक डायलॉग बोलता है ना वो, जो डाकू बना रहता है, क्या नाम है,
इनमें से डब्लू कौन है ना, तो इसका तो क्या है, टारगेट भी हिट हो गया। अब बताओ ये कहाँ जाएगा, कौन बताएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? सीताराम चरण रति मारे, ये हो गया है ना। अभी तो ये यहाँ से चला है तो यहाँ तक तो खींच के लाएगा ही, ऊपर जाएगा। हमारे पुरुषोत्तम भाई बोल रहे हैं ऊपर जाएगा। चलो जिधर भी जाए हमको क्या, हमको तो बस हमारे डंडे ब्रेक करना चाहिए, चाहे ऊपर का डंडा ब्रेक करे चाहे नीचे का डंडा ब्रेक करे, डंडा ब्रेक करना चाहिए। बीच में एंट्री नहीं लेना कभी भी, है ना, कभी भी बीच में एंट्री नहीं लेना। 10 करोड़ का डब्लू, 10 करोड़ का डब्लू। अरे शर्मा जी, 10 करोड़ का नहीं है ये, तो अरबों खरबों का डब्लू है। 10 करोड़ बहुत कम कीमत लगा दी आपने इसकी, है ना। अभी आप लोग बैक टेस्ट भी किया करो थोड़ा थोड़ा, इस तरह के डंडे लगाओ, चैनल बनाया करो। कभी भी कोई भी मोमेंटम हो रहा हो ना, बस चैनल बना लो। चैनल बनाने पे अपने को चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि क्या चल रहा है। ये अगर चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है ना, तो हमको पता चल जाता है कि अब इसकी दौड़ कहाँ से कहाँ तक है। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक गया है ना, तो अब यहाँ पे भी हमारी दौड़ पता चल रही है कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अब इसको थोड़ा ऐसे कर लेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसकी दौड़ कहाँ तक है। एसके ट्रेडर लाइव ट्रेड का वीडियो और बैक स्ट्रेटजी के साथ अपलोड कीजिए यूट्यूब पर, ज़्यादा रिटेंशन मिलेगा ऐप सब्सक्रिप्शन को। अरे एसके ट्रेडर जी, हम क्या है कि गांव वाले हैं, हमको ज़्यादा कुछ आता है नहीं, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, बस हमको इतना ही आता है कि हम कहीं पे भी अपना ये डंडा लगा देते हैं और झंडा गाड़ देते हैं। आज जैसे कि हमारे लर्निंग ग्रुप में हमने चार्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए शेयर किया था, और उस पे जैसे ही वो चैनल को ब्रेक किया वैसे ही हमारा बहुत बड़ा मोमेंटम हमको मिल चुका था, है ना। राम राम कल्पेश भाई, आप गूगल मीट में नहीं आए? हसमुख बारिया जी, आप भी गूगल मीट में नहीं आए थे? अभी तो ये YouTube लाइव चल रहा है यहाँ पे, अभी 15-20 मिनट देखेंगे, ये थोड़ा सा चार्ट लाइव देख रहे हैं हम, और ये देखने के बाद वापस से गूगल मीट में आएंगे, तो आप आ जाना गूगल मीट में। और एसके ट्रेडर, आप अगर हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिएगा, जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है यूट्यूब में, नीचे नंबर जो फ्लैश हो रहा है आप उस पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको हमारे लर्निंग ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा, और वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें एजुकेशनल पर्पस से चलती रहती हैं। कल्पेश भाई टिकट बुक हो गई है ना? आज तो पुट साइड का मार्केट था पूरा, आपने तो अच्छे छापे होंगे, आपको तो पुट साइड का ज़्यादा जमता है ना। ओ कल्पेश भाई, चलो ये बाद में इसको देखेंगे, एक बार हम वहाँ नज़र घुमा लेते हैं, कहाँ, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे भी नज़र घुमा लीजिए भैया। हमने जो टारगेट लगाया था वो टारगेट आप लोगों को हिट होता दिखाई दे रहा होगा, है ना, धीरे धीरे। एक चीज़ और है आप लोगों को बताऊं, डंडा मैंने अगर लगा दिया है, अगर मैंने डंडा लगा दिया तो डंडा फेल बहुत कम होता है, डंडा पास होके ही आता है, लठ गाड़ के आता है डंडा, है ना, कितने लोगों को पता है।
दिल उल बना के भेजते रहा कीजिए आप लोग कमेंट में, ना दिल भेजते हैं ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं, बताइए लाइक भी कम है। एसके ट्रेडर जी आप जो सलाह दे रहे हैं थोड़ा हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़िए और फिर बताइए तो चीज़ें हमको ज़्यादा समझ में आएगी। अरे पुरुषोत्तम भाई पूरा दिले निकाल के बाहर रख दिए आप तो हैं। बाबा ब्राह्मण भी आ गए, अरे ये क्या रॉकेट बना के भेज दिए। ये जो लोगो भेजा आपने बाबा ब्राह्मण, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आता है आप लोगों को? गांव वाला ट्रेडर का लोगो आप लोगों ने जो भेजा है, आपका यूट्यूब सिंबल है? हाँ यूट्यूब सिंबल तो है बट वो आप लोगों को कैसे वहाँ से मतलब मिलता है? अपने आप आ गए। अच्छा आप लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है क्या? ओके ओके, मेंबरशिप जो मेंबरशिप जिन्होंने ले रखी है उनके लिए है क्या? उनको ही मिल जाता होगा है? हाँ ओके गुड। चलिए तो फिर कल सुबह का जो सेशन रहेगा ना हमारा लाइव ट्रेडिंग का एसके ट्रेडर, कल सुबह हम लाइव रहेंगे यूट्यूब में, तो लाइव सेशन भी ज्वाइन कीजिएगा निफ्टी बैंक निफ्टी का। कल तो एक्सपायरी किसकी है, कौन बताएगा कल एक्सपायरी किसकी है, कल किसकी एक्सपायरी रहती है? सेंसेक्स की है ना, सेंसेक्स बाबा ब्राह्मण बोले सेंसेक्स। चलो तो सेंसेक्स के एक्सपायरी के मजे लेना है आप लोगों को। हम तो एम स्टॉक वाले हैं तो एम स्टॉक में तो नहीं होता है, सेंसेक्स का ट्रेड नहीं कराता वो, बट ठीक है सुबह आप लोगों को सेंसेक्स की चीज़ें चार्ट वहाँ पे शेयर होगा, देखा जाएगा लाइव ट्रेड में कैसे क्या चलता है ना। एक बात हकीकत बताओ अपने अंदाजे से, कितने लोगों को लग रहा था कि ये हमारे डंडे को ब्रेक करके ऊपर जाएगा और कितने लोगों को लग रहा था कि डाउन जाएगा? हम भी एम स्टॉक वाले हो गए। अच्छा बट हमारी लिंक से पता नहीं आप लोगों ने ज्वाइन किया कि नहीं किया एम स्टॉक, अगर उससे ज्वाइन करेंगे तो मेरे पास आया नहीं वो। गुरुजी पहले ही बोला था मैंने, अजीत जी अच्छा आपने पहले ही बोल दिया था। हाँ तो जितना ज़्यादा ला आप लोग चार्ट देखोगे ना उतना ही ज़्यादा आप लोगों को ये एक्चुअली क्या होता है ना, ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को बिठाना। ओके ओके अजीत जी मेरी लिंक से आपने किया है तो प्रोसेसिंग में है, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं क्या बता रहा था कि ट्रेडिंग मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताना कि भैया हिस्ट्री, वो कहते हैं ना शेयर मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होती है, मतलब पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं बन चुकी हैं, अगर हमने दिमाग में इन चीज़ों को बिठा लिया तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रीड करने लग जाता है और नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कुछ बनता है तो फिर वो माइंड अलर्ट कर देता है कि भैया यहाँ पे ऐसा सेटअप बना है और हम जो है ट्रेड ले सकते हैं, है ना। तो ठीक है सीखिए समझिए बढ़िया, लाइव ट्रेड का अपना अलग ही मज़ा होता है। अब ये चूँकि बिटकॉइन का है तो ये धीरे धीरे चलता है, आप अपना निफ्टी बैंक निफ्टी होता तो उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो अभी तक तो 4-6 बार ऊपर नीचे हो चुका होता वो, है ना।
सुपर स्टिकर्स क्या होता है? सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स भी को होता है क्या कुछ? ओके आई थिंक एसके टेरर चले गए कि हैं, पता नहीं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। संजय कुमार, बहुत धीरे मोमेंटम होता है इसमें, है ना? तब तक एक बार उसमें नजर मार लें, 5-6 मिनट और रहेंगे, 9:50 में बंद कर देंगे लाइव सेशन ये, है ना? फिर आप लोग गूगल मीट में आ जाना। चलो, ये भी अपने मुकाम तक पहुंच रहा है ना? ये भी अपने मुकाम तक पहुंच रहा है, बढ़िया। बट अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे एंट्री हो रही है, मतलब एंट्री बन रही है कि नहीं बन रही है? कौन कौन बताएगा? एंट्री यहाँ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पुरुषोत्तम भाई बोल रहे नहीं। और कितने लोगों को लगता है कि एंट्री नहीं लेना चाहिए? और अगर मैं ये कहूँ, क्या कहूँ, कि मेरा ये एंट्री पॉइंट हो जाए और ये मेरा एसएल पॉइंट हो जाए और लास्ट स्विंग जो है वो यहाँ है, प्रीवियस स्विंग इसके ऊपर, ओके, यहाँ पे भी ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, और इसको खींच के अगर हम यहाँ रख दें, क्या बोलते हो? अब बताओ, जाएगा कि नहीं जाएगा? अभी नहीं, जब रीटेस्ट कर ले तो उसके बाद एंट्री ले सकते हैं। कल्पेश भाई, गूगल मीट में भी लाइव चालू रखें, साथ में बातें भी होंगी, साथ में बातें होंगी कल्पेश भाई, तो इधर बातें कौन करेगा? पुरुषोत्तम भाई बोल रहे हैं पुट साइड जाएगा। ठीक है, देखते हैं, अगर यहाँ पे इस लेवल को ये थोड़ा सा और यहाँ आया, 325 पे, अभी 319 पे है, 325 पे इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा लफड़ा लग रहा है, ये जो लेवल है 328 का, ये थोड़ा गड़बड़ है। देखते हैं, पलटी मार देंगे अपन तो, है ना? पलटी मार देंगे अगर कुछ पलटा तो, और साइड वेज भी हो, साइड वेज भी होगा थोड़ा, पुट साइड जाएगा गुरुदेव जी। ओके, देखते हैं पुट साइड जाएगा कि अप साइड जाएगा। पुट साइड जाएगा तो हम इसको उल्टा कर देंगे, है ना? इसको उल्टा कैसे कर देंगे पता है ना? यहाँ से शॉर्ट पोजीशन सिलेक्ट कर लेंगे एक बार और, उसको देख लें हमारा टारगेट हिट हुआ कि नहीं हुआ। टारगेट हमारा हिट हो चुका होगा कि नहीं, कौन बताएगा? बोलो सीताराम। ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के पास आता हुआ है ना, ऑलमोस्ट टारगेट के पास चल रहा है। कौन सा चार्ट है ये? बिटकॉइन का है ये वाला? बिटकॉइन का है वो, इथेरियम का है? अजीत जी, सीताराम सीताराम।
आपको क्या लगता है हमने जो टारगेट लगाया उस टारगेट के भी ऊपर जाएगा? उस टारगेट के भी ऊपर जाएगा कि पलट जाएगा, क्या बोलते हो आप लोग? 642 का लेवल आ रहा है वहाँ पे अभी, 62,542। ओके, 62,742, अभी 62,515 पे चल रहा है ना? आज तो बिटकॉइन ही कमाया। दो कैंडल के बाद पलटी मारेगा। ओके, इसके बाद दो कैंडल। ऐसे आप लोग लाइव जब करता हूँ मॉर्निंग में, तब आप लोग अगर आओ ना तो और ज़्यादा मज़ा आए ट्रेडिंग करने में। आप लोग आते नहीं हो, आप लोग आने लग जाओ सुबह, बढ़िया। भले 1 घंटे के लिए आओ, बट अगर आप लोग सुबह सुबह आ जाओ लाइव ट्रेडिंग करने, बढ़िया ट्रेडिंग देखने सीखने, तो मैं भी आ जाऊँ। आप लोग नहीं आते हो इसलिए मैं भी नहीं आता हूँ। अभी देखिए हमारे टारगेट को हिट करता कि नहीं करता, टारगेट जो हमने लगाया है। अभी इसके ऊपर एक कैंडल और जाना चाहिए, उसके बाद ही पलटना चाहिए। बट ये है कि थोड़ा सा टाइम ले रहा है। लोकेशन 1-1 में दो कैंडल और मिलेंगी। ओके, कल्पेश भाई बोल रहे हैं। लोकेश जी क्या बोल रहे हैं, कैसा आया आप बताओ हमें। ओ लोकेश जी और बाकी लोगों को बोल रहे हैं कैसा आया आप, समझ नहीं पा रहा हूँ लोकेश जी क्या बोलना चाह रहे हैं, बताता ही नहीं हो। ओके, बताएंगे लोकेश जी बताएंगे, आपको भी बताएंगे। एक्चुअली क्या है ना, क्रिप्टो ट्रेडिंग करने का मज़ा इसलिए भी है कि इसमें मोमेंटम बहुत धीरे धीरे होता है, और हम इसमें बड़ी आसानी से अपने ट्रेड पकड़ सकते हैं, और शांति भी रहती है। शाम को सब लोग अपना ऑफिस का काम निपटा के और घर आ जाते हैं, तो बढ़िया आसानी से बढ़िया बैठ के मेरे साथ में कर सकते हैं, लाइव चीज़ें देख सकते हैं। बट ट्रेड लेना ना लेना वो तो आप लोगों का डिसीजन रहेगा, हमारा तो खाली ये जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही हो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए रहती है ना? मैंने जो टॉपिक दिया है, प्रॉफिट तो डंडा ही देता है छप्पड़ फाड़ के, है ना? यहाँ पे भी डंडा ही लग रहा है। गुरुजी जिंदगी की उठा पटक में फंस चुके हैं, फिर भी 1 घंटे के लिए आ जाएंगे सिर्फ आपके लिए और सीखने के लिए। अरे अजीत जी, हमारे लिए मत आइए, आपके लिए आइए, आपके लिए आइए, बढ़िया सीखिए समझिए, है ना? चलो 951 हो गया है, अब ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। टारगेट हिट हो जाए फिर फटाक से अपन बंद करें लाइव सेशन, वेट कर रहे हैं टारगेट हिट होने का। हाँ अजीत जी बोलो, सीताराम सीताराम, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे आप लोग कंटिन्यू वॉच कर रहे हो, और बड़े ही वॉच जो है कंटिन्यू मॉर्निंग सेशन में भी रहे, तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि फुल डे लाइव रहने लगूँ, बट वो आप लोगों के हाथ में ही है, आप लोग जितना मुझे प्रमोट करेंगे।
जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज़ की चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो बोलो सीताराम। हाँ कल्पेश भाई, जय श्री राम। अभी गूगल मीट में आना कल्पेश भाई, आप आपसे बात करनी है ना। चलो हमारा टारगेट हिट हो चुका है, तो लाइव सेशन बंद करते हैं, है ना। आप लोग गूगल मीट में आ जाओ, 2 मिनट बात कर लें, इसके बाद में बंद करेंगे, भूख भी लग रही है। चलो भैया, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग कंटिन्यू, एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स और लाइक कमेंट करते रहना, है ना।